हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी का सीन ये है, जस्ट सुबह के 6 बज चुके हैं, मैं अभी जस्ट उठा हूँ और पार्थ भी उठ चुका है। ये देखो, आराम से बैठा है, खेल रहा है, टोपा उड़ा रखा उसको। तो ये देखिए, मिलाते हैं हम आपको। गुड मॉर्निंग पार्थी। गुड मॉर्निंग, उठ गई। तो यहाँ पे देखिए, आपने सुबह के 6 बज चुके हैं और ये देखो, आराम से गाड़ी चला रहा है। और इसको टोपा देखो, नया नया टोपा है ना पार्थी? हाँ, क्या हो गया? काओ काओ कहाँ है? काओ नीचे क्या? अभी शैतानी कम करा, क्योंकि आज सुबह सुबह जल्दी उठ गया ना, तो अभी ये इसलिए चुपचाप है, शांत माहौल। इतना शैतानी बच्चा ना, ये उठते ही शैतानी करने लग जाता है। चलो चलो, नीचे चलते हैं दादी के पास। चले पार्थ ही, आ जा। चलो भाई, चलो चलो चलो। पार्थ अपने दादू के पास आ गया, दादू के पास। और ये देखो, अभी पैर इसके ऊपर, जीने के ऊपर जाएगा ये, तो इसकी साजिश है। ये देखेगा बैठ के क्या कुछ चल रहा है, और फिर ऊपर। ये देख लो गाइस, छत पे आ गया ऊपर। और ये देखो वो मकोड़ा, ये मकोड़ा मकोड़े के साथ पीछे पीछे आओ। क्या ये, इसको पीछा छोड़ दे, जाने दे इसको, जाने दे, जाने। हाँ, अबू है ये, अबू अबू है, जाने दे इसको, ठीक है, बाय बाय कर दे इसको अबू। सो आज फिलहाल मैं नहा धो के हो गए हूँ रेडी, और आज है अमावस्या। तो आज धूप भी निकल के आई, अच्छी वाली धूप है। तो अभी देखो, दिन में धूप रहती है नहीं रहती, तो अभी अपन जोत करते हैं। तो चलिए अभी जोत करते हैं, पूरा सेटअप रेडी हो गया है। मम्मी ने खीर घर बना के ओके कर दिया सब कुछ। चलिए, यहाँ पे अपनी आज जल रही है, तो यहाँ से आज उठाएंगे। यहाँ पे थोड़ा घी, जोत पानी, और ये है अपनी टिकड़ी। तो सभी अभी फटाफट से जोत जलाते हैं और फिर गाय माता को दे के आएंगे, फटाफट चलो। तो यहाँ पे पार्थ ने भी अपनी धोख लगा दी, रुक जा, जल जाएगा, गर्म है वो तत्ता। जाओ तो जय हो। अब जो जला दिया हमने, यहाँ पे अपने लगा दिया भोग हमने यहाँ आराम से। तो अभी फटाफट से गाय माता को और दे देते हैं, पितृदेवता चलो अभी। सो फिलहाल अभी मैं गाय को खाना खिला के आ चुका हूँ, और अभी हम भी थोड़ा भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो जो प्रसाद है पितरों का, तो ग्रहण कर लेते हैं हम भी। तो चलिए खीर खाते हैं। तो चलो, आ गई है अपनी खीर, तो चलिए खाते हैं अभी। फिलहाल खाना वाना अभी हो गया है अपना, और पार्थी अपने आप सो गया है, ये देखो आराम से। तो शैतानी बच्चा आराम कर रहा है, चार्जिंग पे लगा हुआ है अभी ये, अभी उठेगा लगभग 1 घंटे बाद, तो फिर ये फुल चार्ज हो जाएगा। और 1 घंटे बाद, उठने के बाद ये पूरा 2-3 बजे तक सोएगा नहीं, ठीक है, अभी सोने दो इसको। सो फिलहाल अभी मैं और चाचा जी जाएंगे कोसली मार्केट में, तो वहाँ पे कुछ काम है, तो ख़रीदारी करते हैं। नवरात्रि लगेंगे कल से, तो सामान वगैरह ले आएंगे, चुन्नी वगैरह, माता के नारियल वगैरह, प्रसाद वगैरह। तो अभी मैं और चाचा जी जाते हैं कोसली और निकलते हैं। और मौसम अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी फिर से बादल हो गए, धूप चली गई और बादल शुरू, ठीक है। तो अभी बादल है और इन्जॉय करेंगे ठंडी ठंडी हवा का। तो फिलहाल अभी मैं और चाचा जी निकल चुके हैं कोसली के लिए, लेट्स गो गाइस।
फिलहाल मैं पहुंच गया हूं कोसली बाज़ार में, और अभी चाचा जी गए हैं वो पीछे सेब वाले भैया हैं बोल रहे हैं, तो सेब लेके आएंगे वहां से, तो अभी सेब लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी जस्ट पहुंचे हैं, सबसे पहले सेब ही लेंगे। मार्केट में घुसते हैं, ये देखो कितना पानी 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 पानी, आगे भी पानी, पूरे रोड ख़राब। तो फिलहाल अभी हमने नारियल चुन्नी माता जी का प्रसाद ले लिया है यहाँ पे, और अभी निकलते हैं हम, इधर जाना हमें इधर। तो यहाँ से निकलते हैं, देखो कितनी सारी गायें हैं और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इनके, मस्त मस्त है। सारे रोड पे गाय गाय हैं, पीछे भी गाय आए तब भी रास्ते में गाय मिली, अब भी रास्ते में गाय मिली, जा रहे हैं तब भी। तो अभी देखो पूरा जाम कर रखा है रोड, मतलब यहाँ से भी नहीं निकल सकते, परली साइड से भी नहीं निकल सकते। कितने पहने सींग हैं कमर में लग जाएंगे। हाँ यहाँ से रास्ता बन गया, अब निकलते हैं, सही अब सही निकल जाएंगे यहाँ से। तो अभी हम फिलहाल रुके हैं यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए, सब्ज़ी ले लेते हैं फटाफट से। तो बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है, और उस साइड से हम आए हैं सामने से। अभी संडे है ना, तो बाज़ार सारा खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब कोई मार्केट में इतने भीड़ भड़ाका रहता है, और आज बिल्कुल खाली, मतलब खाली। तो यहाँ पे चाचा जी सब्ज़ी ले रहे हैं अपने, तो सब्ज़ी लेते हैं तब तक हम यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो इतनी सारी सब्ज़ी ले रही चाचा ना, ये वाड़ी। तो चलिए सब्ज़ी उठाते हैं और चलते हैं सीधा घर पर, ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ी हो गई यार। तो अभी फ़िलहाल मैं और चाचा जी आए हैं यहाँ पे पनीर ख़रीदने के लिए, और सब्ज़ी तो हमने ले ली, अब पनीर और ले लेते हैं अभी घर के लिए। तो अभी निकलते हैं फटाफट पनीर लेके। फिलहाल अभी काफ़ी सारा सामान ले लिया हमने, ये देखो पूरा ऊपर तक पूरा भरा हुआ है, और अभी निकलते हैं घर के लिए फटाफट से। सो गाइस फिलहाल अभी मैं पहुंच गया घर पे, और सामान पूरा ये रहा, पूरा थैली भर गया आ गया है। तो अभी धूप निकले मस्त वाले, तो अभी कपड़े वपड़े भी सही सूख जाएंगे। सो आते ही मुझे काम मिल गया गाइस, तो आते ही ये दादा बैठे थे, बोले भैया मेरे लिए चाय बना के ले आओ। तो मतलब कि मैं चाय बनाने की नौबत इसलिए आ गई मुझे, क्योंकि घर पर कोई नहीं है, मम्मी चाचा जी चाची मौसी सब वहाँ पर गए प्लाट में, चाचा जी के घर पे पार्थ वार्थ सब चले गए वहाँ पे। तो अभी मुझे ही चाय बनानी पड़ेगी, तो आज मेरे ऊपर है सारा रसोई का राज पाठ, तो मैं चाय बनाता हूँ। चलो फटाफट से चाय बनाते हैं, दादा को देके आएंगे। फिर यहाँ पे पतीला लेके और इसके अंदर चला दी चाय और पत्ती, चाय पत्ती डाल दी है, और अभी डालते हैं हल्का सा मीठा, और उसके बाद दूध डालते हैं, फिर चाय बन के रेडी हो जाएंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे कैसी मस्त स्वादिष्ट चाय बनाता हूँ मैं। ये लो जी अपनी रेडी हो गई चाय, रेडी एकदम मस्त मस्त चाय। तो अभी फटाफट से पापा को देके जाते हैं। फिलहाल मैं सो गया था और अभी जस्ट उठा हूँ, तो शाम के अभी 5 बज चुके हैं, और मम्मी अपने पार्थ को लेके अपने आराम से खिला रही है यहाँ पे, पार्थ अपने आराम से खेल रहा है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और थोड़ा मस्ती करते हैं पार्थ के साथ, क्योंकि आज मैं पूरे दिन पार्थ से मिला ही नहीं। यहाँ पे दादी पोते की मोगली चल रहा है ना। ओए क्या कर रही है, क्या कर रही है, तो ये ऐसे ही लगे रहते हैं दादी पता है पूरे दिन। फिलहाल अभी रात के बज गए 9 और पार्थ गया सो, और तो अभी खाना वाना हो गया, तो अपनी करते हैं एडिटिंग। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना।